स्टूडेंट जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स. ओके, दिस इज द चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक एंड आई थिंक दिस इज द बेटर वे टू गो थ्रू द एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द दिस चैप्टर विद एग्जाम्पल एंड द क्वेश्चन. शो कम एंड सी द सम टर्म्स ऑफ द रिलेटेड चैप्टर लाइक लाइन सेगमेंट रे. ओके, angles, collinear point, non-collinear. But see here the the headed, underlined and the bold letter like a line segment, like a line segment, line segment, ray, the collinear point, non-collinear point. So at the line segment, this is a part of the line which ends in both directions. And we can measure the line segment. Okay, a ray goes in infinity in one direction. Collinear and non-collinear. Collinear points होते हैं जो straight line पे lies करते हैं. हम कह सकें कि we can say that कि all points from which a straight line passes through. Non-collinear like this. Non-collinear points like this point. Okay, like this. ये non-collinear points हैं. ठीक है, इससे straight line pass नहीं करता. ये आपका collinear points हो गया. ठीक है, इसी तरह arms हैं, vertex हैं. Okay, इसी तरह आपका angle है, arms हैं, vertex हैं. तो आर्म्स एंड वर्टेक्स क्या है, इफ दिस इज एंगल तो दिस इज दिस दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड दिस बोथ साइड्स आर कॉल्ड द आर्म्स. ओके, नाउ कम द टाइप्स ऑफ एंगल. वी नो दैट इन प्रीवियस क्लास फ्रॉम क्लास 5 क्लास 6 7 8 द टाइप्स ऑफ द एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स. This is the acute angle, right angle and obtuse angle. We are given that right angle, acute angle less than 90. Figure is that, always remember this. Right angle, this is 90 degree angle. Obtuse angle greater than 90. Iska figure bhi dhyan rakhna hai. Greater than 90, less than 180. Straight angle equal to 180. Straight angle ka jo direction hai, ekdam straight hota hai aur wo ek linear banata hai. And greater, this is the reflex angle, greater than 180 and less than 360. ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लियर कर लेंगे सारे चीज़ को. तो अभी हमने पढ़ा एक्यूट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे चीज़ पढ़ा हमने. तो उसको फिगर देखकर हम लोग को समझ जाना. अब जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल क्या है. एक्चुअली दिस इज द पेयर ऑफ एंगल. दो एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल हम कहते हैं जब दोनों का, मान लीजिए ए और बी दो एंगल है तो दोनों का सम जब 90 होगा तो दिस इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल दिस. ठीक है, और जब दोनों का प्लस यानी सम ऑफ द टू एंगल 180 होगा तो दिस इज कॉल्ड द योर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो इसको याद रखना. एडजेसेंट एंगल आपको पता ही है, जस्ट बिसाइड एंगल, लाइक द एडजेसेंट एंगल, सो एडजेसेंट एंगल अभी हम लोग देख रहे थे. ये एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल जो हमारा ये अगल बगल वाले एंगल्स होते हैं. ओके, दिस दिस एंगल, दिस दिस एंगल, दिस एंगल कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल. व्हिच वन कॉमन आर एंड टू डिफरेंट आर. एक कॉमन आर होता है, वन वर्टेक्स होता है, ये दोनों एंगल का एडजेसेंट. हालांकि कभी कभी हम एडजेसेंट बिसाइड्स एंगल्स को भी कहते हैं जो अगल बगल एंगल्स होते हैं. ओके, इसी तरह आइए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
हम लोग एंगल्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स में ही चल रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आइए यहाँ पर देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है। कि स्ट्रेट एंगल है जिसमें एक कॉमन आर्म होता है और इसका सम ऑफ द एंगल 180 होता है और ये स्ट्रेट लाइन होती है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेन टू लाइन क्रॉस देन अपोजिट एंगल, दिस अपोजिट एंगल कॉल्ड द योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके कम नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको पता ही है आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होता है वो एक दूसरे को कट करता है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है वो कट नहीं करता है। तो क्या होता है, तो पैरेलल हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि टू लाइन्स ऑन द पेपर दे मस्ट बी पैरेलल, अदरवाइज इट विल बी योर इंटरसेक्टेड। या तो इंटरसेक्ट करेगा और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टेड इन द प्लेन, तो हम कह रहे हैं कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स में आ जाइए। पेयर ऑफ एंगल्स में, पेयर ऑफ एंगल्स ही हम लोग कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री उसी में हम लोग देखें। और लीनियर पेयर एंगल्स इज आल्सो पेयर ऑफ एंगल्स ही हैं। अपोजी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पेयर ऑफ एंगल्स में ही आते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सियम है इसमें, इसको देख लीजिए। एक्सियम है कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम, वही हमारा जो लीनियर पेयर है कि अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करता है तो सम ऑफ द दिस एंगल 180 होता है। और इसका अपोजिट भी है कि सम ऑफ द टू एंगल्स दिस एंड दिस प्लस 180 देन दिस मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, गोज टू स्ट्रेट लाइन अपोजिट साइड। ये दोनों एक्सियम है, हमेशा याद रखेंगे, जिसको हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कहते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये एक्सियम है उसका उल्टा वाला। और एक थ्योरम है हमारा, इसको देख लीजिए। इफ टू, एक मिनट, थ्योरम क्या है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्टेड ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब इसमें इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, चाहिए इसके इक्वल होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि इससे पहले हम लोग दो एक्सियम पढ़ चुके हैं, क्या क्या, कि सम ऑफ द लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180, या इफ सम ऑफ द एनी पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 देन द लाइन ऑन विच वन रे स्टैंड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, एक पढ़ लिए हमने। तो अब यहाँ प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ध्यान से यहाँ प्रूफ भी दिया होगा, लेकिन आप ध्यान से इजी वे में देख रहे हो। देखो दिस प्लस दिस 180 लीनियर पेयर से एंड दिस प्लस दिस 180, ओके। अब दोनों को इक्वल करोगे तो एक कॉमन वाला कैंसिल हो जाएगा। मान लो अगर आपको नहीं, वन है, टू है, थ्री है, तो ध्यान से देखना, वन प्लस टू इक्वल टू 180, ठीक है, बाई लीनियर पेयर। और वन प्लस थ्री इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी वन प्लस टू इक्वल टू वन प्लस थ्री। अब वन वन कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा टू इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो टू इक्वल टू थ्री अपोजिट एंगल, इस तरह प्रूफ हो जाएगा शॉर्टली, ठीक है। अब इतना के बाद आप कुछ क्वेश्चन बनाना होगा आपको। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन है, बहुत कम ही क्वेश्चन है। चलिए दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन। आइए।